मैं तमाम बातें अपनी जगह, इंडिया को तो मैच जीतना ही था, बांग्लादेश को हारना ही था, लेकिन यार ये अंपायर ने कल व्हाइट बॉल क्यों नहीं दी थी यार? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दैट? आईसीसी ने भी कुछ ये हरकत कर दी कि कर विराट वेल मैच, वी हैव गॉट टू एंश्योर दैट विराट गेट टू इट्स 100. आई मीन उनको 8 रन चाहिए थे जीतने के लिए, विराट को सेंचुरी के लिए 8 रन चाहिए थे. बांग्लादेशी बॉलर्स ने चिरांद करना शुरू कर दी थी, उन्होंने पहले एक व्हाइट बॉल कराई, वो अंपायर ने पता नहीं उसको दिया नहीं दी, वो भी नहीं दी, उन्होंने वार्न कर दिया. फिर यार जो डाउन द लेग साइड 5वीं स्टंप पे बॉल गई थी यार, यानी वो उन्होंने उसको वाइड नहीं दी, और कुछ समझ में नहीं आया यार. आई मीन कहते हैं कि आई मीन देयर इज अ रूल, देयर इज अ रूल. चलो कुछ होती हैं क्लोज, बिल्कुल क्लोज टू दी स्टंप आती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो जगह बना रहे होते हैं, अपना स्टैंड चेंज करते हैं. यानी यहाँ तो विराट कोहली ने कुछ भी नहीं किया यार, दैट बॉल वॉज सो वाइड. बहरहाल विराट कोहली हमें पता है आखिरी बॉल पर छक्का मार के उन्होंने अपनी सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली. लेकिन मुझे याद है कि जिस वक्त विराट कोहली जो है वो, मैं विराट कोहली को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट यानी क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मोरद इल्ज़ाम इस चीज़ के हवाले से जो है वो ठहरा रहा हूँ. लेकिन बहरहाल ये देखिएगा, अगर आपको मौका मिले, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा.